खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डीडीए ने फ्लैट की जगह दे दिया कबूतर खाना। यमुना अथॉरिटी योजना में किस किस की खुलेगी किस्मत। सिरोही में बेकाबू बलेरो पुलिया से नीचे खाई में गिरी। अब खबरें विस्तार से। एलआईजी फ्लैट की जगह ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिए जाने से नाराज सैकड़ों अलॉटी। मंगलवार को डीडीए के समक्ष धरने पर बैठ गए। यह लोग लगातार डीडीए चोर है के नारे लगा रहे थे। अपने साथ की गई नाइंसाफी के लिए वह उपराज्यपाल एवं शहरी विकास मंत्री से गुहार लगा रहे थे। यह प्रदर्शन आगामी गुरुवार तक डीडीए के समक्ष चलता रहेगा। यमुना अथॉरिटी के आवासीय भूखंड योजना में 7736 लोगों ने किस्मत आजमाई है। वही यमुना अथॉरिटी के इस योजना के लिए तकरीबन 8000 लोगों ने फॉर्म खरीदे थे। अथॉरिटी की ये योजना 17 नवंबर को बंद हो चुकी है। इस योजना का 20 दिसंबर को ड्रॉ निकलेगा। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। सिरोही से अहमदाबाद की ओर जा रही एक बोलेरो कैंपर अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गई। हादसे में एक की मौत हो गई, दो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका राजकीय अस्पताल पिंडवाड़ा में उपचार चल रहा है। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।